I
Thank you.
finish na kirtan kare jai madhav madana murari
bless you, Vrindavan. पार्वती जगत में एक चीज बड़े कष्ट से मिलता है। तब मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु जगत में कौन सा चीज जगत में बड़ा दुर्लभ है। ये शंकर जी कह रहे हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसार निमि सदंड भर कौवारा सतसंगति दुर्लभ संसार
पार्वती जगत में जो सत्संग है, जो भगवान की जो कथा है, ये बड़ा दुर्लभ है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। कि जगत में दो चीज दुर्लभ गोस्वामी जी कहते हैं, एक तो संतों का संग और दूसरा चीज भगवान की कथा। क्योंकि दूसरी लाइन में कहते हैं, सूत दारा और बीत ये पापी को भी होए। कहते संतान बेटा बेटी दुनिया दारी ये संसार की जो वस्तु है, कहते एक दुष्ट व्यक्ति को पास में भी ये सारे संसार की चीज होता है। लेकिन पार्वती संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, जो सत्संग और भगवान की कथा ये बड़ा दुर्लभ है जीवन में है। जिसको गोस्वामी और एक पद में कहते हैं, एक घड़ी आधी से पुण्य आत तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। कहते अगर जीवन में एक घड़ी नहीं, उसमें आधा घड़ी बल्कि आधा नहीं, कहते उससे अधिक और आधा भी समय अगर जीवन में साधु संग और भगवत कथा मिलता है, जीवन का सारे दुख कष्ट जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए समझो आज हम लोगों के ऊपर में भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए दूसरी लाइन में शंकर जी फिर कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर हो पावद हस गत सोई। अति हरि कृपा जा पर हो पावद हसन गत सोई। शंकर जी कहते पार्वती फिर जीवन में ये भगवत कथा और जीवन में भगवान की कीर्तन किसको मिलता है? शंकर जी कहते पार्वती सबको नहीं मिलती, ये सबको नहीं मिलती है, हैं? बल अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको ऊपर में भगवान की कोई विशेष कृपा हो पार्वती, पाव देही असंगत सोई, तब भी जीवन में भगवत कथा और भगवत कीर्तन तभी जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आवत यही सरा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई नहीं जाए। पार्वती फिर प्रश्न करती है, मेरे प्रभु पर ये सत्संग किसको मिलती है? कौन कौन व्यक्ति ये सत्संग में और भगवत कथा में कौन कौन व्यक्ति आते हैं? शंकर जी कहते पार्वती सब नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? बोले अति हरि कृपा जा करो, जिसको प्रभु भगवान की कोई विशेष कृपा हो। बोले आवत यही सरा अति कठिनाई, कहते भगवत भगवत कीर्तन भगवत कथा में वो आना बड़ा कठिन है, हैं? बड़ा कठिन है। अगर आपको पता चले इंडिया से शाहरुख खान और सलमान खान आ रहा है, अगर आपको पता चल जाए इंडिया से शाहरुख खान सलमान खान और ऐश्वर्या राय आ रही है, आपको हॉलैंड में आ रही है, अब देखो वहां पर कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, किसको थोड़ी सी हीट लग जाए ना यहाँ आ रही है, देखना इतना लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारी प्यार रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग। और पहले से वो आने से पहले से लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती अगर किसको बोलो भैया भगवान की कथा कीर्तन हो गया हो, हजार बहानाबाजी करेंगे, अरे हमको काम पड़ गया था, वहां पर जाना था, उसी पार्टी में जाना था, वो प्रोग्राम में जाना था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन वो उसी समय में अब कोई बहानाबाजी नहीं, हजार काम को पीछे कर देंगे और वो हीरो हीरोइन देखने के लिए भाग के सब। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये भगवत कथा हरि कीर्तन है, भगवत सत्संग में जिसको ऊपर में भगवान की कोई विशेष कृपा होगी पार्वती,
तब भी वही व्यक्ति ये सत्संग हरि कथा में आएंगे, नहीं तो सभी नहीं आएंगे हरि कथा में, हैं? बोले जिसको ऊपर में भगवान की कृपा है केवल वही व्यक्ति आ सकते हैं। जैसे जैसे दीनबंधु प्रभु जी हैं, इसलिए इनके घर में देखा आप लोग कितने कितने दूर जाए, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इतना दूर से आए हो। क्यों? दीनबंधु प्रभु घर में बुलाया, बोला आज हमारे घर में हरि कथा होगी, सत्संग होगी, आओ आओ, तभी तो आए। लेकिन देखो इनके घर को, पड़ोसी में देखो, घर की पड़ोसी को व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति आया है इनके घर में नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? इन्होंने उनको बुलाया नहीं, इन्होंने उनको बुलाया नहीं, इसलिए नहीं आए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये सत्संग में भगवत कथा में कौन कौन आएंगे? बोले वही आएंगे जिसको भगवान ने बुलाया, जिसको ठाकुर जी बुलाया है, हैं? जैसे कहीं होता ना फोन करके बुलाते भैया आ जाओ हमारे घर में, इसलिए भगवान तो फोन किया है, हाँ भगवान ने फोन किया। लेकिन जिन जिन को फोन किया ना वही लोग ही आए यहाँ पर, इसलिए इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती ये सत्संग में आना बड़ा भाग्य चाहिए, तभी कोई ये सत्संग हरि कथा में तभी कोई आ सकते हैं। फिर प्रश्न करती है पार्वती, बोले प्रभु आप सत्संग की इतने महिमा सत्संग की बता रहे हो, वो सत्संग करने से मिलता है क्या, क्या मिलता है सत्संग से? आप इतने सत्संग की महिमा, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बार कह रहे ना, जीवन में अगर एक घड़ी आधी घड़ी एक निमिष अगर साधु संग मिल जाए, कहते न स्वर्ग न अपुनर्भव, जिसको साथ में स्वर्ग और मुख्य भी जिसको साथ में बराबर नहीं कर सकते हो, इसमें मिलता है क्या? उसकी दूसरी लाइन में शंकर जी कहते हैं बोले मन देखाओ तत्काला, मन देखाओ तत्काला, काका होई पिता बकाऊ माराला, मन जनफला देखाओ तत्काला। शंकर जी कहते पार्वती अगर भगवत कथा रूपी गंगा में कोई गोता लगाएगा ना, कोई स्नान करेगा तो कहते गोता लगाने का साथ साथ वो फल मिल जाएगा उसको, गोता लगाने का साथ साथ। बोले क्या फल है? बोले काक होई पी का। आप लोगों ने कौवा देखे हो? कौन कौन कौवा देखे हो? इधर क्रो है, कौवा देखे हो? इधर नहीं है कौवा, नहीं इधर है। हाँ आप तो आप 10-13 मंजिलों पर में रहती है ना, इसलिए आप इसलिए कौवा तो सब जगह में है। इसलिए कहते जब काक होई पी का, जब कौवा, कौवा का रंग कैसे बताओ, कौवा का रंग कैसे है? काला है। आप लोग ने कोयले देखे हो? कोयले देखे हो? बताओ तो कोयले का रंग कैसे है? बताओ कोयले का रंग कैसे है? वो भी काला है। अब देखना दोनों का रंग ही काला है, हैं? कौवा भी काला और कोयले भी काला, लेकिन इनके आवाज को देखना पूरा फर्क है। कौवा का जो आवाज बड़ा कर्कश है, का का का, यहाँ बैठ कर का का करने लग जाए ना कान दर्द हो जाएगा, हैं? बोले कब से कहो का का भाग यहाँ से। लेकिन कोयले भी काला है, लेकिन जो बसंत ऋतु में जब वो कोयले जब कुहूकती है, कुहू बड़ी मीठी आवाज है, कोयले की बड़ी मीठी आवाज है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर कौवा अगर गोता लगाएगा ना, वो कौवा नहीं वो कोयल बन जाएगा। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब है कौवा की आवाज बड़ा कर्कश है, मतलब जो संसार का जो बात है ना बड़ा दुखदायी है। किसी व्यक्ति को पूछो कैसे हो, बोला हाँ ठीक ठाक है, लेकिन उसकी अंदर की बात पूछो, उसके अंदर की बात पूछो, कोई भी जगत में ठीक नहीं मिलेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी,
कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई माताजी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी। आप किसको पूछो ना, ऊपर तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन अंदर की बात जिसको पूछो, कोई भी दुनिया में ठीक नहीं है, कोई राइट नहीं, सब सब रंग है, कोई दुनिया में राइट नहीं, सबके सब रंग है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। इसलिए आप दुनिया की संसार की बात पर बैठ करके आप देखना दुखी 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 हो जाओगे, हैं दुखी दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर आप बैठ करके भगवत चर्चा करो, बैठ करके आप भगवत कथा सुना, कि जो कौवा है ना, वो कौवा नहीं, वो कोयल बन जाएंगे। कोयल बन जाएगा मतलब क्या है, फिर ये दुनिया की कोई बात नहीं करेगा, वो बात करेगा तो भगवत संबंधी बात करेगा, भगवान की कथा सुनाएगा, हैं। इसलिए आप लोग पहले सब कौवा थे, लेकिन अभी सत्संग से सब सब कोयल बन गए, क्योंकि अभी दुनिया की सारे बात को छोड़ करके अभी किसकी बात हम सुनते हैं, हम सबके सब भगवान की बात सुन रहे हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती वो कौवा नहीं, वो कोयल बन जाएगी। और जो भगवान की जो कथा है ना, बड़ा मीठा है भगवान की कथा, बड़ी मीठी भगवान की कथा। आप देखना हम संसार में सबके सब दुखी हैं, तन से मन से धन से, लेकिन आप देखना जैसे आप एक घंटा दो घंटा यहाँ बैठे हैं ना, आपका दुनिया की कोई भी बात आपको याद नहीं आएगी, जितने भी हम दुखी दुखी, लेकिन ये कथा से निकलने का बात फिर संसार का दुख बात आई। लेकिन जब तक ये सत्संग में आप बैठे हुए हो, जब तक भगवत कथा में बैठे हुए हो, कोई दुनिया की कोई बात आपको याद है, संसार की कोई बात हमें याद नहीं। दो घंटा बैठेंगे ना, संसार का सारे दुख को भूल कर बैठे होंगे। बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति भगवत कथा श्रवण करते हैं वो इसी दुनिया में नहीं रहते हैं, जो भगवत चर्चा सुनते हैं इसी दुनिया में नहीं रहते, वो गोलोक वृंदावन में नहीं रहते, भगवान की धाम में निवास करते हैं। हम यहाँ नहीं बैठे दीनबंधु ना, हाँ भगवान का नाम भी दीनबंधु है, हम दीनबंधु के घर में बैठे, भगवान की हाँ भगवान की दरबार है, भगवान की दरबार में हम बैठे हैं। इसलिए कहते काक होई पीक और बकौ मराला, जो बगुला वो हो जाएगा हंस। बगुला देखे होंगे, क्रेन बगुला देखे होंगे, देखना बगुला क्या ढूंढता है, गंदी गंदी कीड़े मकोड़े वही चीज ढूंढता रहता है। लेकिन एक होता है हंस, ये हंस रहते हैं मानस सरोवर में, कहते वो क्या खाता है, बोले कमल का मधु पान करता है, कमल मधु का पान करता है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती फिर भगवत कथा रूपी सत्संग में गोता लगाएगा तो वो फिर बगुला नहीं रह जाएगा, वो दुनिया की कोई चीज को ढूंढने का नहीं, वो पिएगा तो भगवान की प्रेम मधुओं को, भगवान की प्रेम रस को वो पान करेगा। इसलिए आज समझो दीनबंधु घर में सब भक्त लोग आए हो, दीनबंधु प्रभु का घर में, आज इनका घर नहीं, इनका घर भगवान की धाम बन गया, भगवान की गोलोक वृंदावन ये बन गया इनका घर है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि विजयपुर इधर आ जाओ, इधर इधर सत्य आ जाओ, इधर आ जाओ, हरि कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 H
इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते जितने सारे उपदेश हैं और सारे उपदेश में जो सार है वो एक श्लोक में ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले तन्नाम,
पहले हमारी निष्ठा किस में होनी चाहिए? बोले भगवान की नाम में निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कलियुग में चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे, उन्हें सारे भक्तों को महाप्रभु बुलाया, बोले तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो? बोले प्रभु आप तो हमारा जीवन का सर्वस्व है, आप तो हमारा जीवन है। बोले अगर मेरे को तुम लोग प्रेम करते हो, भगवान कह रहे हैं, बोले कलियुग में मैं दो रूप में अवतरण होऊंगा। कहते एक रूप में ये जो अर्चा देख रहे हो, ये जो ठाकुर जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और जो ठाकुर जी है, कहते ये एक अर्चा अवतार है, और दूसरा जो अवतार है कलियुग में भगवान की नाम रूप में। इसलिए कलियुग नाम रूप पे कृष्ण अवतार, भगवान कलियुग में अपना नाम रूप में प्रकटित हुए है। इसलिए मीरा कहती है, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान कलियुग में अपना नाम रूप में आए हैं, लेकिन हमारे नाम और हम अलग हैं। अगर हमारे कोई बाहर कोई हमारा नाम ले, हम थोड़ी वहां पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान के नाम को, बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट गए घनश्याम। द्रौपदी कहाँ पुकार रहे थे? हस्तिनापुर में। भगवान कहाँ थे? कृष्ण द्वारका में थे। लेकिन द्रौपदी ने जब भगवान के नाम को ग्रहण किया, भगवान स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, हैं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। इसलिए 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी समाप्त नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है। जिस समय गजराज हाथी को मगरमच्छ क्रोकोडाइल ने पकड़ा, भगवान कहाँ? वैकुंठ में। कहाँ? अब इसी मरते जगत में इन्होंने ना रा केवल उन्होंने दो अक्षर उन्होंने उच्चारण किया, अभी याना बोला ही नहीं है। कहते भगवान को जीवन में दो बार केवल जल्दी मची है, एक तो द्रौपदी के वस्त्र हरण में, और दूसरे जब गजराज को उद्धार करते समय केवल दो बार भगवान को जल्दी पड़ी है। इसलिए ना रा बोलते ही भगवान चक्र को भेज कर उसने मगरमच्छ को मार डाले। इसलिए भगवान कलियुग में अपना नाम रूप में भगवान कलियुग में आए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले नाम नाम करि बहुधा, निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता, नियमित स्मरण न काल। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भगवान के अनंत नाम है, भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, कृष्ण गोविंद दामोदर। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर भजन गाते हैं, बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, या स्वधन बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है सारे शक्ति। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए, हनुमान जी अभी हनुमान जी को साथ में कौन थे? भगवान थे ना, उनका नाम था। हनुमान के साथ में कौन थे? राम थे ना, उनका नाम था। उन्होंने केवल जय श्री राम बोले और समुद्र को लांग गए, और वहां पर जो लंका जलाया कैसे जलाया? भगवान के नाम के प्रभाव से। जो कुछ वहां पर किया है प्रभु का नाम की प्रभाव से किया है। इसलिए भगवान कलियुग में अपना सारे शक्ति उन्होंने अपना
नाम में धर दिया है, हैं? इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। पहले मैंने एक स्टोरी सुनाया था, आपको याद होगा, और एक बार सुना के था। हाँ, कहते एक समय कहते श्री सुकांत नाम, याद है कथा, सुना सकते हो? कहते एक समय कहते एक राजा थे जिनका नाम था सुकांत राजा था, हैं? कहते जो सुकांत राजा एक समय सुमेरु पर्वत गोबर में सत्संग हो रही थी और वो जा रहे थे सत्संग में, इतने में बीच में नारद जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग में जा रहा हूँ। बोले कहाँ पर? बोले सुमेरु पर्वत गोबर में, आज सारे संत इकट्ठे होंगे, आज वहां सत्संग होगा। बोले देखो सत्संग में जा रहे हो, जाकर के सबसे पहले संतों का चरण स्पर्श करना, जाकर क्या करनी चाहिए, संतों का चरण स्पर्श सबसे पहले करनी चाहिए। इसलिए नियम है आकर के सत्संग में क्या कर, सबसे पहले आए और बैठ गए नहीं, आकर के पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो, पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो और जितने हमारे गुरु वर्ग लोग है उनको पहले आकर के सबसे पहले प्रणाम करनी चाहिए। और किसको प्रणाम करनी चाहिए? जो कथा सुन रहे हैं सबको प्रणाम करनी चाहिए, जो कथा बोल रहे हैं उनको भी प्रणाम करनी चाहिए, सबको प्रणाम करते हुए बैठनी चाहिए। बोले सबसे पहले संतों का चरण चुना, बोले आप लोग तो यही सिखाया, सबसे पहले जाकर के संतों का चरण वंदना करनी चाहिए। जब जा रहा था बोले इधर उधर, बोले क्या बात है? बोले देख वहां पर सारे संत तक इकट्ठे हुए होंगे। बोले हाँ। बोले सबको तो प्रणाम करना, लेकिन वहां पर देखना विश्वामित्र जी को, बोले उनको प्रणाम नहीं करना। बोले कैसे क्यों? जब सबको प्रणाम करूंगा विश्वामित्र को भी प्रणाम करूंगा। बोले बोल दिया ना, वो विश्वामित्र भी पहले ऋषि नहीं थे, पहले वो भी थे राजा, वो राजा से फिर वो महर्षि बने, पहले वो राजा ही थे, तुम भी राजा वो भी राजा था। बोले ठीक है, अभी सुकांत जा करके सारे संत बैठे हुए थे, उनने सबका चरण स्पर्श तो किया है, लेकिन केवल उन्होंने विश्वामित्र जी की चरण स्पर्श नहीं की। अगर सारे संत एक लाइन में बैठे हुए हो, सबको प्रणाम करो और एक को प्रणाम नहीं करो, क्या होगा बताओ? अपमान होगा कि नहीं? वो अपमान होगा कि नहीं? इतने में जब वो सत्संग समाप्त तो हुई, विश्वामित्र तो वैसे ही क्रोधित थे, उनको इतना क्रोध आया, बोले संत को बीच में सबको प्रणाम, से बोले मेरे को प्रणाम नहीं। उनने बड़ा क्रोधित तो होकर के तमतमात हुई अयोध्या में आए, जब अयोध्या में आए उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी गेट कीपर रूप में थे। बोले प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु विश्राम कर रहे हैं, प्रभु सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोता है उसको देश में ऐसी गड़बड़ी होता है। बोले बात तो बताओ, बोले डायरेक्ट मैं प्रभु से बताना चाहता हूँ। इतने में भगवान राम की नींद खुल गई, भगवान राम निकल कर आए, देखा गुरु जी, गुरु जी को देख कर प्रणाम किया। बोले गुरु जी क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों? बोले संत समागम का अनादर, मेरे लिए मैं कोई चिंता नहीं करता, ये संत परंपरा संत समाज के अनादर। राजा सुकांत ने सबको प्रणाम किया लेकिन केवल मेरे चरण को नहीं छुआ, हरि सभा में। भगवान राम को तो बड़ा क्रोध आया, बोले कल जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, सर नहीं झुकाया, कल सवेरे उसका सर ही काट दूंगा। अभी भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान को बता सत्य व्रतम सत्य परमस्ति सत्य, भगवान जो प्रतिज्ञा करते हैं ना वो जरूर करते हैं। अभी ये बात धीरे 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 सुकांत जी का कान में पड़ा, अभी सुकांत जी सुनकर रोना शुरू कर दिया। बोले नारद जी तो बड़ी गड़बड़ी कर दिया, हाँ बोले विश्वामित्र को प्रणाम मत करो, अभी तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया सबर मेरा गला काट देंगे, वो तो बड़ा दुखी हो गया, रोने लग गए। अभी नारद जी को ढूंढ रहे हैं, वो गए कहाँ, लेकिन नारद मिले ही नहीं। बोले देखो जब ढूंढ नहीं रहा था उस समय तो मिल गए, और जब ढूंढ रहा वो नहीं मिल रहे। इतने में देखा श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी वहां पर आए। बोले क्या बात है? बोले गुरु जी आप बड़ी गड़बड़ी कर दिए, बोले सबको प्रणाम करना
विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना नहीं किया तो उन्होंने राम से शिकायत की, भगवान ने प्रतिज्ञा की कल सवेरे मेरे को मार डालेंगे। बोले भैया ये तो मरते जगत है, सबको तो मरना पड़ेगा। बोले मैं मरना नहीं चाहता। बोले बताओ दुनिया में कोई मरना चाहते हो? कोई मरना चाहते हो दुनिया में? दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता है लेकिन मरना पड़ता है। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले एक काम करो जाओ श्री माता अंजना जी की शरण में चले जाओ। अंजना कौन है बताओ? कौन अंजना है? हाँ बताओ अंजना कौन है? हनुमान जी की माता जी का नाम अंजना है। अभी जाकर के अंजना जी के चरण में गिर कर रोने लगे और माताओं का जो हृदय है ना बड़ा कोमल होता है। बोले बेटा क्या बात है बताओ क्या बात है? बोले कल मेरे को विश्वामित्र मारना चाहता है, मेरे को रक्षा करो आपका शरण में आया। बोले ठीक है बेटा तू अंदर में बैठ जा। बैठ गए। इतने में हनुमान जी रोज प्रभु राम की चरण की सेवा करते हुए शाम को आते हैं। जब हनुमान जी आए देखे माता जी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। बोले माता जी क्या बात है? मैं हनुमान जैसे बेटा रहते हुए अगर माता जी को दुख हो फिर तो जीना मरना बराबर है, बताओ बात क्या? बोले बेटा एक शरणागति व्यक्ति को रक्षा करना पड़ेगा। बोले मैया चिंता मत करो, मैं प्राण दे करके उसको जीवन को मैं रक्षा करूंगा। इतने में सुकांत तो बोले बाहर निकल करके आओ। आकर के हनुमान जी के चरण में गिर गए। बोले बेटा क्या बात बताओ? बोले भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कल मेरे सर काट देंगे। अंजना बोली तू तो बोल रहा था तेरे को विश्वामित्र मारेंगे। बोले विश्वामित्र मरवा रहे हैं हनुमान राम को द्वारा, राम को द्वारा। अभी तो अंजना भी हनुमान दोनों तो फंस गए। अगर साधारण व्यक्ति कोई होता तो वो रक्षा कर लेते, लेकिन भगवान जहां स्वयं प्रतिज्ञा की है, भगवान की प्रतिज्ञा कभी नष्ट नहीं होता, उनको कौन रक्षा कर सकता है। इतने में दोनों तो फंस गए बुरी तरह से। इतने में बोले भैया कल देखा जाएगा कल। इतने में हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या। देखा भगवान राम धनुष बाण लेकर के सधज करके उसको मारने के लिए जा रहे थे। बोले हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को मार कर क्या होगा छोड़ दो। बोले नहीं उसने मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक प्रणाम नहीं किया, जिस दुष्ट ने सर नहीं झुकाया उसका सर मैं काट दूंगा। बोले प्रभु छोड़ दो ना एक व्यक्ति को मार करके किया होगा। बोले नहीं उसको तो मेरे को मारना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की उसको रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए? बोले प्रभु मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो मैया बीच में फंसा दी। बोले जो कुछ तू करना कर लेकिन मैं तो उसको मारूंगा। इतने में हनुमान जी आए, सुकांत जी को बोला बेटा मेरे साथ में चलो। सुकांत जी को लेकर चले गए, अपना पीछे बैठा दिया और पूछ कर नीचे बैठा दिया। बोले चलो हम भगवान की नाम जप करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित और एक डर से कीर्तन कर रहा है। बोले प्रेम से कौन कीर्तन कर रहे? बोले हनुमान जी। बोले डर से कौन कीर्तन कर रहा? बोले सुकांत। सुकांत कह रहा है हनुमान जी ये जो रघुपति राघव राजा राम जो राम के बोला ये दो अक्षर बोल रहे हो, क्या ये दो अक्षर भगवान से रक्षा कर लेगा? बोले बेटा चिंता क्यों करते हो, हरि से बड़ा हरि का नाम विश्वास पूर्वक भगवान के नाम जप करो। इतने में
हैं, कहते इतने में स्वयं कौन आ गए, इतने में आ गए श्री भगवान राम, धनुष धारण करते हुए भगवान राम आ गए। इनको देखो शशिकला देखो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे जब भगवान ये बाण को पकड़ते हैं ना, मतलब तीर को, वो एक गुना हो जाता है, जब निकालते हैं वो हो जाता है सब हो जाता है, जब तीर में चढ़ाते हैं वो हो जाता है हजार, जब खींचते हैं हो जाता है लाख, जब छोड़ते हैं वो हो जाता है करोड़, और जब लगता है पूरा प्राण को ले जाता है, क्योंकि भगवान का बाण है ना, भगवान का बाण तो अव्यर्थ है, लेकिन ये भगवान की बाण तो अव्यर्थ है, लेकिन जब उन्होंने सुकांत जी को ऊपर में छोड़े, लेकिन सुकांत क्या कर रहा था, भगवान के नाम जप कर रहा था, भगवान की नाम, और नाम रूपी जो चक्र है उसको रक्षा कर रहा था, चारों तरफ में नाम रूपी चक्र उसको रक्षा कर रहा था। जब भगवान बाण तो मारते हैं, लेकिन वो बाण तो जाता है, लेकिन वो लग करके ना गिर जाता है, वो कुछ नहीं होता है। भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है, मेरे बाण कोई काम नहीं कर रहा है, क्यों, हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से बढ़कर उनका नाम है, हैं? इतने में लक्ष्मण जी ने देखा ये हनुमान तो प्रभु को बड़ा तंग कर रहा है, हैं? प्रभु का जो अचूक बाण भी कोई व्यर्थ होते जा रहे, बोले क्यों, चूंकि भगवान के नाम को उन्होंने आश्रय लिया। मतलब है जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते है ना, जो भगवान का नाम को आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान की जो बाण है, जो अव्यर्थ है, जो कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो बाण भी उसको कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति, इसलिए हमें हर समय, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सयने की भोजने की बा जागरणे अहर निसचिंत कृष्ण बोलो बदने। महाप्रभु कहते हैं कि सयने सोते समय, कि भोजन खाते समय, कि वह जागरण जगते समय, चलते समय, हाँ, हाथों में सेवा करते समय क्या करो, हाथों में सेवा और मुंह में भगवान की नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। अभी लक्ष्मण जी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये तो प्रभु का तंग कर रहा है,
हैं, भगवान का बाणी काम नहीं कर रहा है। लक्ष्मण उसाया धनुष उठा करके, वो तो बैठा हुआ था हनुमान के पीछे है ना, उनने क्या किया, सुकांत के ऊपर में क्या प्रहार करेगा, उनने सीधा बाण मार दिया हनुमान के ऊपर में। और जब बाण मार हनुमान के ऊपर में लगा तो हनुमान की छाती में, हनुमान जी की छाती में, लेकिन इतने में भगवान राम स्वयं बेहोश हो गए। हैं, लगा हनुमान जी की छाती में, लेकिन बेहोश कौन हो गए, बेहोश हो गए भगवान राम। बोले क्यों, बोले हनुमान की हृदय में कौन बैठा है, हैं, हनुमान के हृदय में कौन बैठा हुआ, भगवान राम बैठे हुए हनुमान के हृदय। इसलिए कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए अभी श्री भगवान राम ही बेहोश हो गए। जब भगवान राम के होश आया, हैं, जब होश आया भगवान राम ने कहा सुकांत तो ये बताओ तुम्हारी ये दुर्बुद्धि, कौन सा सत्संग में तुम्हारी ये दुर्बुद्धि हुई, सब जब संतों को प्रणाम कर रहा था तुमने विश्वामित्र को प्रणाम क्यों नहीं किया, कौन सा असत संग से तुम्हारी हुई। बोले प्रभु जी असत संग से नहीं सत्संग से हुई है। बोले सत्संग से, बोले कौन सा सत्संग से ये दुर्बुद्धि हुई, बोले श्री नारद जी की सत्संग से। नारद जी ने बताया, बोले हाँ, इतने में भगवान का नारद जी ये बताओ तुमने ये उल्टा बुद्धि दिया क्यों। बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूं सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा, भगवान बड़े ना उनका नाम बड़ा है, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करता है, अभी कितने को मैं आंसर दूं। इसलिए हमने सोचा ऐसे एक काम कर लो सारा दुनिया को पता चले जाए हरि से बड़ा हरि का नाम, सारा दुनिया को ही पता चला जाए। इसलिए प्रभु मैंने इतना लीला की है, हैं, इतने में श्री, जब बोले इतने में श्री विश्वामित्र जी आ पड़े। बोले ये बताओ अभी गुरु जी के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया हूं सवेरे इसका सर काट दूंगा, अभी गुरु जी का मुंह क्या दिखाऊंगा गुरु जी को, अभी गुरु जी को मुंह क्या दिखाऊंगा, गुरु जी के वाक्य को मैं रक्षा नहीं कर पाया, मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। इतने में श्री नारद जी सुकांत जी को बोले सुकांत जी जाओ जल्दी जाओ, जाकर के विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़ो, हैं, और उनको चरण में माफी मांगो। सुकांत जब जाकर के विश्वामित्र के चरण में गिर पड़े माफी मांगी, जो साधु है बड़े दयालु होते हैं, साधु संघार नहीं करते, साधु सवार थे, साधु संघार नहीं साधु रक्षा करते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। जब उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े विश्वामित्र जी की हृदय द्रवीभूत हो गया, बोले राम मैंने इसका अपराध माफ कर दिया है, तुम भी इसके अपराध को माफ कर दो, तुम भी अपराध को माफ कर दो। फिर विश्वामित्र माफ करते भगवान राम फिर माफ कर दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए गुरुदेव जब हमें हरिनाम दिए हैं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं गुरुदेव जब हमें ये हरिनाम दिए हैं, वो हरिनाम नहीं दिए, प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम मिलना और भगवान को साथ में साक्षात्कार होना बराबर है। हमें हरिनाम नहीं मिला, हमें साक्षात भगवान का दर्शन भगवत साक्षात्कार हुई हरिनाम के द्वारा। ये माला नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है, हैं, भगवान कृष्ण है। इसलिए शास्त्र में बताया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। मतलब है भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम दिया तुमको, ये हरिनाम को लेकर के यह जप किया सब करिया निर्बंध, ये हरिनाम को नियमित पूर्वक जप करना। कैसे जप करना,
नियम से जप करना। इसलिए गुरु जी कहते थे ये गुरु माला कभी भूखा नहीं रहनी चाहिए। माला कभी भूखा मतलब क्या है, ऐसे नहीं एक दिन भगवान के नाम ही नहीं जप किया और माला जहां पर वहीं पर लटक रहा है, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। कम से कम भोजन प्रसाद पाने से पहले कुछ माला करो, प्रसाद पाने से पहले कुछ माला करके भोजन करो। और कुछ फिक्स नंबर रखो जो इतना माला हमें करनी है, आसानी से जितने माला कर सकते हो, हाँ आसानी से जितने माला कर सकते हो कुछ फिक्स नंबर रखो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं निर्बंध, निर्बंध मतलब होता है संख्या, संख्या कर रखो इतने माला हम करना। देखो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते थे, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते थे बताओ सारा दिन मिलाकर कितना घंटा होता है, 24 आवर 24 घंटा होता है। वो कहते थे 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन सो। अब बोलोगे नहीं 8 घंटा तो हालांकि में तो ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा हो जाता है ना, चले जाता है। बोले कोई बात नहीं 12 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, है 12 घंटा काम करो और 8 घंटा सो। 8 घंटा सोने के लिए काफी है कि नहीं, है कि नहीं 8 घंटा बहुत है, और 12 घंटा काम के लिए है कि नहीं काफी है कि नहीं, काफी है ना। तो वो कहते थे देखो 12 घंटा काम करो और 8 घंटा सो और 4 घंटा भजन करो। देखो वो क्या कहते थे, वो कहते थे सवेरे जो 2 घंटा है अपना परिवार को शत्रु मानो, परिवार को मित्र मत मानो, समझो ये सबके सब मेरे शत्रु है। क्योंकि भगवान हमें जो ये मानव शरीर दिया है ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिला, ये मानव शरीर बारंबार भगवान नहीं देते। इसलिए भगवान राम कहते हैं देते ईसी बिनो हेतु सनही, ये जो मानव शरीर भगवान दिया है कैसे कृपा करके हमें ये मानव शरीर दे दिया, हम मानव जन्म पाने का हम लायक ही नहीं थे, ये भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। देत ईसी बिनो हेतु सनही, बिना कारण के कैसे प्रभु ने मानव शरीर दे दिया। ये शरीर सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गवा, ये देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है। यहाँ पुण्य कर्म करके तो स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो काम करके फिर तुम इंसान बन सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर पाना बड़ा कठिन है। पर ये होली लैंड में फिर आप लोग जो आए हो सूरीनाम सबके सब आए, फिर आप लोग हिंदू परिवार से हैं, सबके सब हिंदू परिवार से आप लोग, ये तो बड़े कष्ट से ही बहुत मिला है, बड़े कष्ट से ये मानव शरीर मिला, सहज में नहीं मिलता है। इसलिए कहते क्या समझो, जो 2 घंटा सवेरे अपना परिवार को शत्रु मानो, ये कोई मित्र नहीं हमारे, क्योंकि परिवार में कोई किसी का है ही नहीं, अकेला आए और अकेला जाना पड़ेगा, है कहते ना अकेला आए और अकेला हमें जाना पड़ेगा इस संसार से, साथ में कोई नहीं जाएगा हमारे साथ में, सबको छोड़ना। इसलिए सवेरे क्या समझो 2 घंटा ये सब के सब हमारे शत्रु, इसलिए 2 घंटा क्या करो भगवान की भजन करो, भगवान की सेवा अर्चन पूजा आरती तुलसी परिक्रमा है कीर्तन करो हरिनाम करो सवेरे, फिर उसको बाद में अपना परिवार को मित्र मान लो, सबको अपना मित्र मान लो, फिर मित्र मान कर जो कुछ काम करना ठाकुर को सेवा मान कर करो, फिर शाम को जब आओ फिर काम से फिर अपना परिवार को शत्रु मानो, ये हमारे कोई नहीं है, क्योंकि अकेला जाना पड़ेगा अकेला आए और साथ में तो केवल प्रभु की भजन जाएगा और तो कुछ साथ में जाने वाले नहीं। फिर क्या करो 2 घंटा फिर बैठ करके जम करके भगवान के नाम जप करो, भागवत पढ़ो रामायण पढ़ो गीता पढ़ो और शास्त्र को फिर पढ़ो। ये स्वामी महाराज जी बात को कहा करते थे, हैं इसलिए कहते ये जब गुरुदेव ने हमें ये माला दिया है ये माला को भी भूखा नहीं रहनी चाहिए। भूखा मतलब है ऐसे नहीं एक दिन तुम्हें माला ही नहीं किया, नहीं भले ही एक दिन ही हम अपना खाना भूल जाए लेकिन ये माला नहीं भूले, खाना भूल जाओ लेकिन ये माला
मत भूलो, क्योंकि जाएगा तो यही, और साथ में हमारी कोई चीज जाने वाले नहीं। इसलिए यहाँ तो सब ये हो गया, लेकिन भारत में जब कोई व्यक्ति मरता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, वो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, हैं? यही बोलते बोलते ले जाते। बोले बेटा, जितने तुमने राम का नाम, जितना तुमने कृष्ण का नाम लिया, तेरे साथ में वही आ रहा, और जो कुछ ये संसार में तुमने किया है, सब तुमने झूठे में बताया। एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ नहीं जा रही। पत्नी जाएगी, रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो रो रो कर श्मशान तक जाएगी, तो उसको आगे कोई भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं। इसलिए भागवत में बताया, जब जब महाराज को सामने खड़े कर देते हैं जीव को मरने का वहां, उसको ये नहीं पूछेंगे कितना बेटा, कितने बेटी, कितने दुकान, कितने मकान, कितने बिल्डिंग बनाया, वो कोई प्रश्न नहीं करते हैं। वो केवल एक ही प्रश्न करेंगे कि जो 84 लाख जन्मों के बाद में तुम्हें जो मानव शरीर जो काम के लिए दिया था, तुमने वो काम किया कितना, वो काम किया कितने, तुमने भगवान के नाम लिए कितने, भजन किए, केवल एक ही प्रश्न, कोई वहां प्रश्न नहीं है, कोई वहां पर प्रश्न नहीं। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का, आवाज लगाऊं मतलब कुछ तो कुछ लेकर के नहीं जा रहे, सब छोड़ कर के ही जा रहे, हाँ उतना तुम लेकर जा रहे हो जितने भगवान के नाम तुमने जप किया है, यही धारण तुम्हारे साथ में जा रही है। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए गुरुदेव जो हरिनाम दिया है, सवेरे क्या करो, नहा धोकर के सारे काम को पीछे रख लो, जितने दुनिया में हम जिसको कर्तव्य मानते हैं, जिस काम को अपना कर्तव्य मानते हैं, वो तो हर जन्म जन्मांतर तो करते करते तुम आ रहे हो। कौन सा जीवन नहीं था जिस जीवन में काम नहीं किया, वो मरते मरते आ रहे हो,
जन्म मृत्यु का चक्कर में तो तभी तो भटक रहे हो। ये सारे कर्तव्य को पीछे रख लो, क्योंकि ये जीवन तुम्हें वो काम के लिए नहीं मिला है। जो काम के लिए तुम्हें मिला वो काम करो। किस लिए मिला है? भजन के लिए मिला है। ये जीवन हमें भजन के लिए मिला, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तरिनाम। पहले क्या करो, भगवान के नाम में निष्ठा रखो। एक स्टोरी सुन लो। बोले एक समय एक गुरु जी ने दो चेले थे, दो चेले को उन्होंने दो गुठली दिया, आम की दो गुठली दी। बोले देखो बच्चों, अगर ये गुठली को अगर बोओगे ना, गुठली तो सीधे, अगर इसको बोओगे घर को सामने, ये घर को बड़े सुंदर छाया देगा, और टाइम ही आने पर बड़े सुंदर उसमें आम का फल भी आएगा, बड़े सुंदर उसमें आम भी फल आएगा। उसको तुम खा भी सकते हो और तो उसको बिक्री भी कर सकते हो, उसको तुम बेच भी सकते हो। अभी दोनों चेले ने दो गुठली लेकर गए, लेकर के एक चेला ने क्या किया, अपना घर को सामने गड्ढा कर दिया और वो गुठली को, गुठली समझ रहे हो ना, सीट को उन्होंने गाड़ दिया और मिट्टी ढक करके पानी दे दिया, अपना घड़ी लेकर गई, वॉच लेकर बैठ गया, दो घंटा देखा, दो घंटा बाद में खोदा, दो घंटा बाद में खोदे, कुछ हुआ कि नहीं? बोले कुछ नहीं। बोले गुरु जी तो झूठ बोल दिए, इसमें अंकुर होगा, पत्ता होगा, टहनी आएगी, छाया देगा, कुछ नहीं। फिर ढक दिया, फिर पानी दे दिया, फिर घड़ी लेकर के फिर बैठ गए, चार घंटा देखा, चार घंटा बाद में फिर खोदा, फिर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले गुरु जी तो झूठ बोल, पेड़ होगा, फल होगा, तो कुछ नहीं। फिर ढक दिया, फिर रात भर आठ घंटा बैठा, आठ घंटा बैठा, बैठ कर सवेरे उसने फिर खोदा, देखा कुछ नहीं। उसको तो बड़ा क्रोध आया, गुरु जी तो मेरे को ठग दिए। बोले पहले अंकुर, फिर दो पत्ते, फिर उसमें टहनी आएगी, सुंदर उसमें फल फूल आएगा, तो झूठ है। वो गुठली लेकर को सीट को लेकर गए और उसको गुरु जी के ऊपर मारे। बोले गुरु जी आप इतने झूठ बोले, टाइम नहीं आगा, फल होगा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं रात भर मैं सोया नहीं इसी चक्कर में, एक रात तो नींद नहीं हुई। लेकिन तो दूसरा चेला था ना, कहते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर ना करी मन आस। उसने गुरु जी ने जो बात को बोली, अपना हृदय में दृढ़ विश्वास करते हुए लेकर गया, और गुरु जी जो बोले सही बोले, कभी झूठ नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपना घर को सामने उसको गुठली को बोल दिया। सचमुच से देखा 10 दिन के बाद में उसमें अंकुर आया। अभी गुरु जी को प्रति विश्वास हो गया, अरे गुरु जी तो सही बता रहे थे, तो अंकुर आया। जब उसकी फेर हो गया, एक महीना हो गया, फिर उसमें बड़े सुंदर टहनिया भी आई। जब उसमें एक साल हो गया, देखा पेड़ इतना बड़ा हो गया, अरे गुरुदेव तो सही बात बताया है, उसमें टहनिया। जब उसमें 2 साल हो गया ना, सचमुच वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, बड़े सुंदर वृक्ष हो गया। और जब 3 साल हुई, पूरा उसको घर को पर में छाया दे दिया, और उसमें बड़ा सुंदर फूल आया है, और सचमुच से बड़ा सुंदर आम का, इतने बड़े बड़े आम फल आया। और जब आम, पहला आम जो पका है ना, उसको तोड़ करके गुरु जी के पास में लेकर गए। बोले गुरु जी आप जैसे जैसे बताए तुम सही बात है, ये पहला फल है गुरु जी का, आपको देने के लिए आया हूँ, आप ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाना। बोले ठीक है बेटा। फिर उनने इतने आम आया, खुद तक खाया और उसको मार्केट में लेकर बेचा भी, मार्केट में लेकर। हाँ, इसका मतलब है, मतलब गुरुदेव कथा सुनाया करते थे, गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया है ना, ये हरिनाम साधारण वस्तु नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण को हमें दिया है। लेकिन अभी इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति करने के लिए तुम्हारे अंदर में 6 गुण का जरूरत है। कितना गुण चाहिए? 6 गुण चाहिए। कहते 6 गुण क्या क्या है? कहते उत्साह, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, सत्वृत्ति। कहते सड़वीर भक्ति प्रसिद्ध। रूप गोस्वामी कहते भक्ति करने के लिए आपके अंदर में 6 गुण जरूरत है। पहला क्या है? उत्साह। क्या होनी चाहिए? उत्साह पहले होनी चाहिए, हैं? इसलिए बगैर उत्साह से देखना, संसार का कोई भी काम
बगैर उत्साह से नहीं कर सकते हैं। सब काम के लिए उत्साह चाहिए, भक्ति के लिए भी हमें उत्साह चाहिए। उसके बाद उत्साह निश्चय, हमें भले ही ये दुनिया में कोई बिजनेस भले ही फेल हो सकता है, लेकिन जो भक्ति की बिजनेस है ना, भगवान की जो नाम की जो बिजनेस, ये कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोई फेल ही नहीं हुई, इसमें सबके सब सक्सेसफुल हुए। दुनिया की कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें फेल हो सकती हो, कोई गारंट नहीं उसमें सक्सेसफुल होगी, लेकिन ये जो भक्ति का जो बिजनेस है ना, इसमें अभी तक कोई फेल ही नहीं हुई, सबके सब सक्सेसफुल हुए। हाँ, इसलिए मीरा कहती है, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन निश्चित रूप में भगवत भक्ति में हम सक्सेसफुल होंगे। और धैर्य धीरज धारण करनी चाहिए, हैं, धीरज धारण करो, क्योंकि एक समय किसी शिष्य ने हमारे बड़े गुरु जी से पूछे, बोले गुरुदेव इतना दिन 20 साल हो गया माला जप करते करते और ये माला काला हो गया, बोले ये माला जप करते करते ये काला हो गया माला, हाँ, किसने कहा गुरुदेव को, बोले गुरुदेव ये माला काला हो गया लेकिन अभी हृदय काला गई नहीं, बोला अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, माला जप करते करते अभी कुछ हुआ ही नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटा कितना साल से आए हो, बोले 20 साल हो गए, बोले तुम्हें पता है पिछले कितने साल में तुमने विषय को भोग किया, बोले एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से है, ये करोड़ों जन्म से हम भगवान को भूल करके ये विषय में रमे हुए गधे कुत्ते सुअर होकर के भटक रहे, कितने जन्म से हृदय में कितने कूड़े कितने कंकड़ कितने कीचड़ हृदय में तुमने भरा पड़ा हुआ है, हैं? इतने जल्दी साफ थोड़ी हो जाएगी, काम क्रोध लोभ तुम्हारे हृदय में बैठे हुए, अभी उसके लिए नाम पर कोर्ट में जाकर केस करना पड़ेगा, तुम कोर्ट में जाना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा उसके विरुद्ध में, हैं? फिर जाकर के लड़ोगे फिर तो जाएगी, इसलिए बेटा चिंता मत करो, भगवान की भजन करते रहो। इसलिए बोले चेत दर्पण मार्जनम, जितने भगवान के नाम जप करते रहेंगे, जितने जप करते रहेंगे वो चित्तरूपी जो दर्पण है ना उतना साफ होते जाएंगे, उतना साफ होते जाएगी, है उतना साफ होते जाएगी। इसलिए बोले धैर्य धारण करो, धीरज धारण करो, है धीरज धारण करनी चाहिए, सबरी है गुरुदेव सबरी, वो जब सबरी का कथा सुने होंगे, वो जब आई थी गुरु जी के पास में ना एकदम जब जवानी थी, और गुरु जी बोल करेगा बोले बेटे एक दिन स्वयं राम अकेले नहीं अपना भाई लक्ष्मण को साथ में एक दिन यहाँ पर आएंगे, और गुरु जी बोल करे गए एक दिन ठाकुर जी आएंगे लक्ष्मण को साथ में, कब बोल करे गए थे, जब वो जवानी थी, लेकिन भगवान राम कब आए, जब एकदम बूढ़ी बन गई, दांत टूट गई, एकदम केस सफेद, कितने हजार साल को बाद में भगवान राम लक्ष्मण आए, लेकिन गुरु जी बोल करके गए थे, इसलिए रोज जंगल से सुंदर सुंदर उन्होंने फल को बेरी को हाँ फल को लाकर रखती थी खा खा करके, और रोज रास्ता को साफ करती थी, फूल बिछवाया करती थी, बोले क्यों, बोले गुरु जी जब बोले जरूर एक दिन ठाकुर जी आएंगे,
क्योंकि गुरु की बात क्या कभी झूठा नहीं होता है। एक दिन जरूर आएगी और सचमुच से एक दिन भगवान स्वयं लक्ष्मण के साथ में आए और उनकी झूठा बेर खाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंचे प्रेम सदाई, सबसे ऊंचे प्रेम सदाई, सबसे ऊंचे प्रेम सदाई, दो जघन के मेरी बच्चे साग भी गोर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे वेद सबरी के खाए, झूठे वेद सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए, बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देख भगवान इसका झूठा बेर खाए, बोले सबरी तेरी झूठे बेर में जो आज स्वाद आया, लक्ष्मिया मेरे को वैकुंठ में छापन भोग छत्तीस व्यंजन भोग लगाते हैं, वो आनंद वहां नहीं आता आया जो आनंद तुम्हारे झूठे बेर में आया है। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी के तन नाम, पहले हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, हरि नाम में होनी चाहिए, ठीक है ना। रोज नियमित करके माला, जो गुरुदेव ने जो माला दिया है, ठीक है ना, रोज नियमित करके क्या करना, माला को जप करना। माला जप करते 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 थोड़ी समय के लिए, थोड़ी समय देनी चाहिए बैठ करके, रो रो करके आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के नाम जप करनी चाहिए है। महाप्रभु कहते अगर ये नाम को निष्ठा पूर्वक करोगे सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धि मतलब क्या है, जो मांगोगे हरि नाम से सब मिलेगा हरि नाम से। एक भक्त बोल रहा था, देखना कभी कभी इतने बड़े बड़े धनी लोग हैं ना, जैसे हमारे भारत में रिलायंस कंपनी वाले अंबानी और टाटा बिरला सब नाम सुने होंगे। कोई पूछ रहे थे भैया इनको इतने पैसा कैसे मिला, एक व्यक्ति दिन भर काम करते करते अपना रोटी ब्रेड को जोगाड़ नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति इतने पैसा वाले कैसे, ध्यान देकर सुनो, बोले इतने पैसा वाला कैसे बन गया, वो इतने पैसा कहाँ से आया उसको, ऐसे उसने क्या कर्म किया है जो कि इतने पैसा, आप सोच नहीं सकते हमारे भारत में उनके पास में इतने पैसा, उनको भी पता नहीं भैया कहाँ कहाँ कितने पैसा पड़ा हुआ, इतने पैसा कहाँ से आए। वैष्णव लोग कह रहे थे बोले पहले जन्म में तो उन्होंने भगवान भजन किया है, भगवान की पूजा की, हरिनाम किया है, हम जो हरिनाम कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कुछ दे करके छोड़ेगा। अगर निष्काम होकर के भजन करोगे, निष्काम होकर के उनकी चरण की सेवा के लिए, फिर तो उनको गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी की चरण की सेवा मिलेगा। अगर ये संसार की कामना वासना लेकर के हरिनाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अगर दुनिया की कामना वासना हो, रुपया पैसा धन दौलत मिले, कद हरिनाम कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ देगा, कदो। इसलिए इतने बड़े धनी पैसा वाला बने, पहले जीवन में भजन तो किया है लेकिन उन्होंने कामना वासना को लेकर किया है, ये जड़ इच्छा को लेकर किया है, हमारा पैसा मिल जाए, धन तो मुझे ये हो जाए। हरिनाम किया है बोले नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब किया, जो मांगोगे हरिनाम वही देगा तुम्हें, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ तुम्हें देगा, कुछ ना कुछ तुम्हें वो देगा। इसलिए हरिनाम करते समय ये दुनियादारी चीज को सोचनी नहीं चाहिए, फिर हरिनाम हमें ये दुनिया की वस्तु दे करके हमें फिर भुला देगा, कहते इसलिए इसी जीवन में इतने पैसा वाले समझो हरिनाम की कितने महत्व है। इसलिए हरिनाम को बताइए हरिनाम नहीं, नाम चिंतामणि कृष्ण, ये नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि। अगर अपराध रहित होकर के 10 तरह का जो नामापराध है, 32 तरह का सेवा अपराध है, अगर इससे दूर होकर के अगर हम हरिनाम करेंगे, फिर तो ये नाम हमें
सब कुछ प्रदान करेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये हरिनाम को मैं जो दे रहा हूँ, ये हरिनाम को नियम करके हरिनाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की। इसलिए ये जो माला है ना, जो हरिनाम, कभी ये भूखा नहीं रहनी चाहिए। भूखा मतलब क्या, ऐसे नहीं हरिनाम नहीं किया एक दिन, नहीं, जरूर हरिनाम करके प्रसाद है। अगर एक दिन गुरुदेव थे, अगर एक दिन ये माला जप नहीं किया, मतलब क्या है, जैसे समझो एक दिन अगर हम वस्त्र नहीं बदला, एक दिन अगर स्नान नहीं करे, एक दिन अगर भोजन नहीं करे, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा ही नहीं लगेगा। उसी तरह एक दिन जब माला नहीं करते हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है, समझो वो भूखे भी मर रहे, उनको कपड़ा नहीं बदलाया, उनका स्नान नहीं कराया, ठाकुर जी भूखे रहते हैं। इसलिए सवेरे उठ करके क्या करो, पहले नहा धो कर कुछ माला जप कर लो, फिर दिन भर तो काम ही काम है दिन भर तो। और जो भक्त लोग काम तो करते नहीं, सेवाएं करते ठाकुर जी की, जो कुछ पैसा कमा के ठाकुर जी की सेवा के लिए ही कमाते, ठीक है। बोले तन नाम रूप चरिता आदि कहीं हो गया ना, हाँ ठीक। कल फिर इसको बाद में वो क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं अपना भगवान के नाम को प्रति निष्ठा करो, उसको बाद में कहते रूप, फिर चरित, फिर सुकीर्तनानु, फिर क्रमेण रसना, इसको कल हम सुनेंगे, इसको बाद में फिर वो क्या कहते हैं, हाँ इसको कल, इसका बाद की बात सुनेंगे कल, ठीक है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोले जय जय देव हरे, आदि हरि जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद गोपाल जय यशोदा Krishna.